23 और 24 अप्रैल को दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क काश्मीरी गेट पर नई दिल्ली में हिमालय परिवार और अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय बैठक की गई, जिसमें आदरणीय इंद्रेश कुमार और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय संरक्षक हिमालय परिवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दो दिवसीय बैठक में चार सत्र रहे। बैठक की शुरुआत हिमालय परिवार की नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता और संपादक मंडल की सदस्य निशा तिवारी कपूर द्वारा की गई। गीत का गायन करके एम शीर्ष नृत्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को किया गया। बैठक के प्रथम सत्र में हिमालय परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी यतिनंद गिरिजी महाराज ने अब तक के अपने हिमालय परिवार संगठन में कार्यकाल के अनुभव और कार्यकर्ताओं को स्नेह पूर्ण के संदर्भ में सभी को आशीर्वाद दिया। जो पिछले 15-20 साल के अंदर जन्मे हैं और बड़े हैं, उनकी अखिल भारतीय मीटिंग हो गई। भारत तिब्बत सहयोग मंच की थी लखनऊ में 16-17 अप्रैल, 23-24 अप्रैल को हिमालय परिवार की है, फिर 30 अप्रैल 1 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के चेन्नई में, फिर एक धर्म संस्कृति संगम विशेष रूप से बौद्ध समाज को लेकर उनकी राष्ट्रीय बैठक 22-23 मई को बौद्ध गया में। ऐसे ही सिंधु उत्सव प्रारंभ हुआ, सिंधु दर्शन यात्रा समिति की एक बैठक हो गई थी, आज एक छोटी सी लघु बैठक इस समय है, परंतु उसके अलग से एक बैठक जल्दी ही मई के मिडल वगैरह में करेंगे, ताकि सिंधु उत्सव की विस्तृत योजना उसमें की जा सके। बीच में आप में से कोई कोई आना चाहेगा तो आ सकता है, 15 मई को इस्लामिक कल्चरल सेंटर में नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, भारत के शिक्षा जगत में एक अच्छा और ऊंचा नाम है, मजहब से मुसलमान है, डॉक्टर SN पठान, उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से एक पुस्तक लिखी है, हिंदुत्व यह भारतीय एकता और एकात्मता है, मुस्लिम द्वेष नहीं है। उसका लोकार्पण 15 मई को दिल्ली में इस्लामिक कल्चर सेंटर में होगा, संघ के डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मैं रहूंगा, वो स्वयं रहेंगे, एक दो स्कॉलर होंगे, एक बड़ा कार्यक्रम कल्चरल सेंटर में होगा। उसी के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक केंद्रीय टोली की बैठक भी रहेगी। मैं इस समय क्योंकि सिंधु उत्सव के लिए सिंधु दर्शन यात्रा समिति को फोकस करके कुछ विशेष लोग आमंत्रित किए हुए हैं इस सत्र में, कुछ ऐसे होंगे आगे भी रहेंगे, अधिकांश